बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब पहले से होंगे। बेटे, आज आपका जो लेक्चर है वो है उर्दू का सफ़ा नंबर 28, पेज नंबर 28। ठीक है, आपका उनवान जो है हरफ खे का तारुफ। ठीक है, हरफ खे का तारुफ। तो बेटे, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ से हमारा है खे, तो के आपने ऐसे लिखनी है, डॉट्स को पढ़ना है। ठीक है, के के की आदि शब्द। ठीक है, के खे खरबूजा, के खरबूजा, के हर बेबाबू जेजा खरबूजा। तो आपने इसको अलग कर लिखना है, खे बे हर बे वाओ जे हे खरबूजा, खे रे बे वाओ जे हे हे खरबूजा। नेक्स्ट है मेरे पास बेटे खरगोश, खे खरगोश, खे की आदि शक्ल, खे खरगोश, खे पर काफा हो सीन खरगोश। ठीक है, तो खरगोश आपने भी इसको जोर तो करने से होते, खे रे पर काफ वाव सीन खरगोश, खरगोश। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वर्ड जो है बेटे, एक खंदक। ये खंदक बनी हुई गड़ा जैसे, जमीन के अंदर हम बेटे गड़ा खोदते हैं ना, वो उसको कहते हैं खंदक। जमीन के अंदर जो गड़ा होता है निकालते हैं हम, तो मट्टी निकाल लेते हैं, गड़ा काफी खुदाई करते हैं, तो उस खोदे की वजह से जो गड़ा बनता है उसको हम खंदक बोलते हैं। ठीक है, ए खंदक, ए के खंदक, के नून ना का खंदक। ठीक है, तो उसको सेपरेट लें, के नून दाल का खंदक, के खंदक। दोबारा फिर रिपीट कर देती हूँ, के खरबूजा, के खरगोश, के खंदक। तो बेटे आज का ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपका जो होमवर्क है वो है इसकी एक्टिविटी। ठीक है, होमवर्क जो है आपका वो आपने एक्टिविटी सॉल्व करनी है, सॉल्व एक्टिविटी। आपकी बुक के पेज नंबर 28 के लास्ट पे है एक्टिविटी है, आपने पिक्चर्स के नेम राइट करने के। देखिए, मैंने नेम राइट करवाया ना, सेम आपने ऐसे ही देखने के नेम राइट करने। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।